पार्क केस में राहुल गांधी से अब सोमवार यानी 20 जून को पूछताछ होगी। राहुल गांधी ने ईडी को पत्र लिखकर मोहलत मांगी थी। राहुल गांधी ने सोनिया गांधी की तबीयत नासाज होने की वजह से सोमवार तक मोहलत मांगी थी, जिसके बाद ईडी ने राहुल गांधी की अपील को मंजूर कर लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी AICC में कार्यकर्ताओं को सोमवार को आने को कहा है, लेकिन कांग्रेस का ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। कांग्रेस ने सभी PCC को निर्देश दिया है कि 20 जून को भी राहुल गांधी के समर्थन में प्रदर्शन जारी रहेगा। CM गहलोत ने ईडी मामले पर केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि ये प्रोटेस्ट चलते रहेंगे, आगे भी चलते रहेंगे, चाहे यंग इंडिया हो या वो AJL हो। जब आप एक रुपया भी ले रहे हो, जब आप एक रुपया भी ले ही नहीं सकते आप प्रॉफिट का, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी चाहे भी तो नहीं ले सकते, और ऐसे में कानून उसके अंदर है, तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ हो गई? देश को बताना चाहिए एजेंसियों को। CM ने कहा कि केंद्र सरकार एजेंसियों के जरिए डरा धमका रही है। नहीं नहीं, राहुल गांधी को बुला रहे हो, सोनिया गांधी जी को बुलाएंगे क्या? सोनिया जी की स्थिति है वहां जाने की? अब पूछे तो आपकी ड्यूटी नहीं, सीनियर सिटीजन को लेके अगर आप पूछताछ करने जाओ, उनके घर जाओ, सम्मान बात करो उनसे, वो आपको जवाब देंगे। दुनिया के मुल्कों में जब तक कोई अपराधी प्रूफ नहीं हो जाएगी अपने अपराध किया है, तब तक उनको सम्मान से देखा जाता है, व्यवहार किया जाता है, बेइज्जती नहीं की जाती है। यहाँ स्थिति है कि आप बेइज्जती कर रहे हो, कोई पहले मान लेते हो कि तो अपराधी होगा। ये टेंडेंसी देश में, अभी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, खाली ईडी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे टेंडेंसी पुलिस के अंदर भी है। ये जो अग्निपथ आया है, ये भी मैं समझता हूँ ऐसे वक्त में लाया गया है जिससे कि राहुल गांधी को आप ईडी बुला रही है, अग्निपथ पे आग लग रही है, ट्रेनें जल रही है, धरने हो रहे देश भर के अंदर, ये क्या हो रहा है? ये चिंता नहीं होनी चाहिए सरकार को? पर मैं समझता हूँ कि BJP ने तय कर रखा है, ध्यान डाइवर्ट करके काम चलाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस अब